नमस्कार और फिर एक बार स्वागत है आपका रागम परिचय में। थोड़े से ब्रेक के बाद, दो तीन हफ्ते का ब्रेक हो गया, उसका भी कारण है, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। आज हम देखने जा रहे हैं राग गोरख कल्याण। गोरख कल्याण नाम से तो लगता है कि कल्याण का कोई प्रकार होगा, लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं है। कल्याण रागांग या कल्याण थाट, दोनों से इसका कोई संबंध नहीं है। पता नहीं इसका नाम गोरख कल्याण क्यों हो गया। कहते हैं कि इसका नाम जो है संत गोरखनाथ के नाम से जुड़ा हुआ है। तो आज देखते हैं राग गोरख कल्याण। गोरख कल्याण एक मध्यम प्रधान राग है, पंचम नहीं है इसमें, तो तानपुरा जो है मध्यम में लगा होगा। इसमें गंधार भी वर्जित है। तो देखते हैं इसके सुर क्या होंगे। निषाद कोमल है, रे नी नि द ध सा, और निषाद केवल अवरोह में लगता है। ध सा, उसके बाद रे, ऋषभ जो है, रे जो है वो मध्यम से लग के आ रहा है। दसा रे रे म का कण लेके आ रहा है। और फिर जाके मध्यम पे न्यास होगा। और फिर हम जाएंगे उत्तरांग की तरफ। धम धैवत से लेके मध्यम को फिर से आना होगा। फिर कोमल निषाद, निषाद का प्रयोग वैसे अल्प स्वरूप में होता है, थोड़ा ही लगता है। लेकिन मध्य सप्तक में नीचे की तरफ, मध्य सप्तक से नीचे जाते हुए ये जो निषाद है, ये बहुत टिपिकल इसका प्रयोग है। काफी सरल चलन है इसका, वक्रता बहुत ज्यादा है नहीं। अब देखते हैं इसका पूरा विस्तार पूरे सप्तक में। हाँ।
काफी मीठा राग है, हाल में बहुत प्रचलित हो चुका है। एक बंदिश सुनते हैं, बहुत ही प्यारी बंदिश है। पिछले एक साल से भी ज़्यादा हम राग परिचय कर रहे हैं। हर हफ्ते, हर रविवार को सुबह हम एक एक राग को नज़दीक से देखते आ रहे हैं। 50 से भी ज़्यादा प्रचलित राग हम कवर कर चुके हैं। अब थोड़ी इच्छा हो रही है, जैसे हम नए साल में जा रहे हैं, अब इच्छा हो रही है कि कुछ आगे किया जाए, राग से बढ़ के आगे कुछ किया जाए। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ संगीत पे चर्चा, जिसको हम राग फोरम कहते हैं। राग स्फीयर का एक पार्ट है, एक हिस्सा है राग फोरम, जहाँ पे हम अपने सवाल पूछेंगे और उनके उत्तर ढूंढेंगे। मैं संगीत विषयक आपके जो भी प्रश्न हो उनके उत्तर यहाँ देने की कोशिश करूँगा, और उसके लिए रविवार का बंधन नहीं रहेगा। आप अपने प्रश्न जो भी है संगीत विषयक उसे पूछ सकते हैं यहीं पे फेसबुक पेज के ऊपर। आप या तो टाइप करके मैसेज में डालिए, या कोई आपका वीडियो रिकॉर्ड करके या ऑडियो रिकॉर्ड करके यहाँ पे मैसेज में अटैच कर दीजिए। उस प्रश्न का जैसे मुझसे होता है मैं पूरा उत्तर दे करके आपके वीडियो के साथ में एक पूरा उत्तर और प्रश्न, ऐसा जो वीडियो बनेगा उसको यहीं पे हम सबके लिए पोस्ट करूँगा। अगले हफ्ते में रविवार के दिन हम मिलेंगे राग परिचय में फिर से, लेकिन उसके बाद में अगले महीने से हम अपनी संगीत पे चर्चा शुरू करेंगे। तब तक
आप अपने प्रश्न किसी भी भाषा में हो, हिंदी में, अंग्रेजी में या मराठी में भी हो सकते हैं, आप उनको यहाँ भेजते रहिएगा और हम प्रश्न और उनके उत्तर ये सिलसिला शुरू करेंगे एक ही हफ्ते में।